DSA. अच्छा DSA. डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. तो हम लोगों के लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है और किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए हम लोगों को? मास कंपनी तो बाद में, मास कंपनी होती क्या है मैं ये जानने. मास कंपनी यानी कि आप काम सूत्र पे नहीं कर्म सूत्र पे ध्यान दीजिए. यस यस यस. हाउ टू मेक गर्लफ्रेंड इन दिस कैंपस. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल बींग इंजीनियर. गाइज, तो आज आप लोगों को अपने सर से मिलवाने वाला हूँ जिनका कि प्लेसमेंट हो चुका है, और मैं इनसे पूछूंगा या फिर जानने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने कैसे तैयारी करी थी और मतलब क्या बोलते हैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग या कॉलेज में जो है ना सीनियर का मार्गदर्शन बहुत ही ज़रूरी है. इट्स मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन टच विद सीनियर्स. यस गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ये बहुत दुख की बात है. प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज. यस, आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. हाय, आई एम कन्हैया भट्ट, करंटली परसुइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम जीएलई यूनिवर्सिटी. हाय, आई एम बादल भट्ट, करंटली परसुइंग बीटेक फ्रॉम जीएलई यूनिवर्सिटी मथुरा इन कंप्यूटर साइंस. आई हैव ए क्वेश्चन इन माई माइंड. एक्चुअली आई हैव ए क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन मास रिक्रूटमेंट कंपनी? प्लीज गाइड अस. देखो, मास रिक्रूटर के लिए आपको कोई कंपनी की तैयारी ऐसे नहीं कि एक कंपनी को सेलेक्ट करके करनी है. तुम अपनी जो भी GLA करा रहे हैं ना इमर्सन के टाइम पे वो करते रहो, और इमर्सन के टाइम पे जो भी करा रहे हैं वो अच्छे से करो, और जो भी तुम्हें एकेडमिक में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो. और उसके बाद अगर तुम चाहो कहीं से उस कंपनी, जैसे बहुत से बच्चों की ड्रीम कंपनी होती है, तो ड्रीम कंपनी के लिए वो सर्च कर सकते हैं. बहुत सारी वेबसाइट हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके लिए. और जो भी इमर्सन में पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से कर लो, मास कंपनी तो यूँ निकल जाएगी तुम्हारी. और इफ यू वांट टू, इफ यू वांट टू सेलेक्ट, पहले मास कंपनी तो बाद में, मास कंपनी होती क्या है मैं ये जानने. मास कंपनी यानी जो बल्क में हायरिंग करती है ना कैंपस से, वो मास कंपनी. जैसे विप्रो हो गई, कैपजेमिनी, एसेंचर, कॉग्निजेंट. अच्छा, और ये सब. एक्चुअली जहाँ तक मुझे पता है सर कि उन लोगों का जो एवरेज पैकेज होता है 5-6 लाख रुपए की होती है. 5-6 लाख होती है. और अगर हमें 10 से ऊपर की एवरेज सैलरी लेके चले, पैकेज को लेके चले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गुड कंपनी, हाई पैकेज कंपनी, देन यू कैन गो टू दैट वेबसाइट ऑफ दैट कंपनी, एंड आफ्टर दैट प्रिपेयर डेली बेसिस कोडिंग ऑन लीड कोड और वेयर एवर यू वांट टू डू कोड और एनी अदर प्लेटफॉर्म. मीन्स यू आर गुड इन कोडिंग फॉर डैट कंपनी. यस सर. तो सर ये तो बात हो गई कि प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन प्लेसमेंट से पहले क्या आपको लगता है कि जो प्लेसमेंट, एक्चुअली हम लोग अभी 3rd ईयर में हैं और आप 4th ईयर में हैं, तो हम लोगों के लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है और किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए हम लोगों को? फर्स्टली यू आर कंसंट्रेट इन ओनली योर टेक्निकल, दैट इज़ लाइक जावा, ऊप्स कंसेप्ट एंड DSA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गाइज प्लीज़ नोटेड माई पॉइंट, DSA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपनीज, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रिक्वायरमेंट ओनली इफ यू हाई पैकेज. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टू प्लेस्ड इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक Amazon, Microsoft and Silicon Lab. High package company. It is a high package company and very reputed company. So yeah. Firstly, you are focusing that the what is the requirement of the company. Yes. Go to that website. Go to that website and process of the placement. That is verbal communications round, aptitude rounds, coding rounds, and you want to search that prep Insta. Which I preferred mostly. Nice. And if you want to place the product based company like Amazon, it is my dream company. So you can only focus about DSA. DSA. अच्छा DSA. Data structure and algorithm. It is very important. Students, please focus my point. And work on it. So that's all about.
इट्स डन फॉर मी फ्रॉम माई साइड एंड आई वुड लाइक टू कॉल माई फ्रेंड अभिनंदन भाई, प्लीज कम एंड टेक ए माइक एंड आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम सीनियर्स. हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज अभिनंदन. आई एम थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. दे आर माई सीनियर्स. सर, प्लीज टेल मी अबाउट हाउ हैव यू स्टडीड फॉर दिस प्लेसमेंट. आई ऑलरेडी सेड दैट. Apart from that, you have any questions, then you will you can watch the video and subscribe the channel of Amit Kushwa. Channel name is Being Engineer. Please subscribe it, share it and like it. You please comment also. Sir, every candidate has its dream company. Yes. What's your dream company, sir? My dream company, I don't want to say that, because if you have dream for something, then you have to keep in that yourself. I would like to ask one more question. In GLA campus, how have you motivated yourself for recruitment in you have placed in Wipro? Tell me something. Actually, I am not preparing for Wipro. I am preparing for a big company like 8 LPA package or, but if you are selected for mass company in GLA University, then you are not sit in like 8 LPA or 9 LPA. You can only sit in above 10 LPA company. Once you get selected. Okay, sir, please tell me about yourself, how you have been motivated to yourself. It is a very easy to motivate yourself, and If you are feeling like that, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा, like don't do this, student please don't do this, and just keep in your mind and do it. Just as said. इससे पूछिए कि जो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, सेटिंग नहीं हो रही है, तो वो कैसे जिंदगी काटेगा 4 साल, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? 4 साल हो गया आपका कैंपस. So how to make girlfriend in this campus? Yeah, best question. देखो GLA में किस्मा university का नाम. I would like to this answer in Hindi. Okay, please. देखो girlfriend it is not a big deal. ये हमारी life का बहुत ही ज़्यादा छोटा सा part है, जो कि हम इसको बहुत बड़ा बना लेते हैं कि girlfriend नहीं बना है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. अब बच्चे बोलते भी हैं, स्टूडेंट्स गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो मन नहीं लग रहा है, काम करने में मन नहीं है, ये है वो है, यार क्या होगा मेरा, क्या करूँगा, कोई मुझे पसंद करेगा भी नहीं करेगा. तो इन सब चीज़ों को सोचना छोड़िए, अपने काम पे ध्यान दीजिए. सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर तुम्हारा काम अच्छा होगा तो सामने वाला तुमको खुद अप्रोच करेगा. सर, एट सेट वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स कि आप काम सूत्र पे नहीं कर्म सूत्र पे ध्यान दीजिए. यस. हेलो, देखो स्मार्ट लड़कों की गर्लफ्रेंड नहीं हुआ करती, क्योंकि उनमें ईगो इतना होता है. नहीं, हमेशा एक खूबसूरत लड़की हॉट गाय को प्रेफर नहीं करती, वो अच्छे से, मतलब वो पर्सनैलिटी वाइज अच्छा हो, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो और बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल सर उसी में आता है, और थोड़ा सा बस बॉडी लैंग्वेज और थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस हो, जो कि आप देख रहे हैं हमें नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमें नहीं है क्योंकि हम लोग अच्छे, क्योंकि अगर आप, लेकिन एक बात और मैं मान सकता हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल अपना लाइफ करना चाहते हैं तो प्लीज़ गर्लफ्रेंड का चक्कर छोड़िए. Yes. क्योंकि फोकस ऑन योर, आपके माइंड डाइवर्ट हो जाता है, अपने पैशन को फॉलो करो बस. एक बार आप किसी चीज में प्लेस हो जाएंगे या फिर कोई चीज आप हासिल कर लेंगे तो गर्लफ्रेंड अपने आप बन जाती है. अपने पैशन को फॉलो करो बस, तो अपने पैशन को और उससे बेहतर मिलेंगी, पैसे भी कमाएगी. अपने पैशन को फॉलो करो और अपने लाइफ को जियो, अपने आप गर्लफ्रेंड वगैरह सब बन जाएगी. और इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे हम एक साथ ही रहते हैं तो हमें कभी मन नहीं लगा तो हम क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हाँ गर्लफ्रेंड नहीं है तो अभी मन नहीं लग रहा क्या करें, क्रिकेट खेलेंगे, अपना हेल्थ अच्छा होता है और मेंटली स्टेबल होता है आदमी और पढ़ाई में मन भी लगता है खेलने में. कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप मेंटली बहुत खुश रहते हो. प्लीज लिव इन योरसेल्फ.
डोंट वांट टू बी जस्ट लाइक मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए. नो नो नो. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल बीइंग इंजीनियर एंड कमेंट इट डाउन फॉर एनी करेक्शन. व्हाट आर द पर्सन यू लाइक मोस्ट इन दिस वीडियो. यस.